हेलो दोस्तों, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव तोमर और आज हम पढ़ेंगे आरसीसी के बारे में, जो फोर्थ सेम का सब्जेक्ट है। आरसीसी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिसका पहला टॉपिक है सीमेंट कंक्रीट। सो सीमेंट कंक्रीट होता क्या है? सीमेंट कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। मतलब जब हम सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को एक सही प्रपोर्शन में मिलाते हैं तो उससे बनता है सीमेंट कंक्रीट। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। सीमेंट, वाटर, हम सब जानते हैं कि सीमेंट क्या होता है, वाटर क्या होता है, फाइन एग्रीगेट कहते हैं सैंड को, सैंड या रेत, और कोर्स एग्रीगेट कहते हैं स्टोन्स, मतलब बजरी या रोड़ी, जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें कहते हैं फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ये था इस चैप्टर का पहला टॉपिक, सीमेंट कंक्रीट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। अब आते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे, ग्रेड्स ऑफ सीमेंट्स। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ओपीसी, उसे बेसिकली तीन ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 33, ग्रेड 43 और ग्रेड 53। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को तीन ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मामले में, मतलब अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होने की वजह से उसे तीन ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 33, ग्रेड 43, ग्रेड 53। तो आइए अब जानते हैं कि ग्रेड 33 और ग्रेड 43 में क्या फर्क है, या ग्रेड 43 और ग्रेड 53 में क्या फर्क है। ग्रेड 33 का ओपीसी सीमेंट 28 दिन में 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर देता है। 33 ग्रेड का ओपीसी सीमेंट 28 दिन में 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ग्रेड 33 का सीमेंट 28 दिन में, मतलब जब हम उसे कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करने के बाद 28 दिन बाद, कंस्ट्रक्शन में यूज करने के 28 दिन बाद उसे जब सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो वो 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर सकता है, कि मतलब उसके पर एमएम स्क्वायर पे हम 33 न्यूटन तक का वेट अप्लाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर ग्रेड 43 का है तो 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, और 53 का है तो ग्रेड 53 पर एमएम स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ये था ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। अब पढ़ते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे बेसिकली कंक्रीट को तीन ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, वो है ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट में आते हैं M10 से लेके M20 तक, स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है M25 से लेके M
55 तक। और इस हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आता है M60 से लेके M80 तक। तो हमने ये तो जान लिया कि ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड्स आते हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड आते हैं और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड आते हैं। लेकिन इसमें एम और ये जो डिजिट है इसका मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। हम एग्जांपल लेके चलते हैं M10 को। M10 यहाँ पे M का मतलब है मिक्स और 10 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शो करता है, जैसे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो M10 का कंक्रीट अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो वो 28 दिन बाद 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर लेगा 150 mm क्यूब। मतलब एक अगर हम क्यूब बना दें, जिसकी डायमेंशन हो 150 mm, जिसकी चौड़ाई लंबाई हर चीज 150 mm हो और उस पे उसे हम M10 के कंक्रीट से एक क्यूब बना दें जिसकी लंबाई चौड़ाई 150 mm हो और उसे मतलब 28 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दें और 28 दिन बाद अगर उस पे लोड डाला जाए तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड झेल सकता है। इसी तरह अगर M15 का है तो 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, M25 का तो है 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, M60 का है तो 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, M80 का है तो M80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ये थे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ RCC। अगला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ RCC, मतलब RCC होता क्या है। पहले तो फुल फॉर्म बता देता हूं RCC की, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। मतलब आपने कभी देखा हो कि जब लेंटर डलता है तो लेंटर डलने से पहले स्टील के सरिये बिछाए जाते हैं, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट का एक मिक्सचर उन सरियों के ऊपर डाला जाता है जिससे लेंटर डल जाता है। तो जो सरिये बिछाए जाते हैं शुरुआत में उन्हें कहते हैं रेनफोर्समेंट और जो बाद में डाला जाता है सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर उसे कहते हैं सीमेंट कंक्रीट। तो हमें सरियों की जरूरत ही क्यों हुई। सीमेंट कंक्रीट का अपने आप में मतलब काफी अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और काफी स्ट्रांग होता है सीमेंट कंक्रीट, तो सरियों की क्या जरूरत है। तो मैं बताता हूं सरियों की जरूरत क्यों होती है। जो सीमेंट कंक्रीट होता है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी काफी स्ट्रांग होती है लेकिन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफी वीक होती है। उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफी स्ट्रांग होती है लेकिन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफी वीक होती है। उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10% ही होती है। मतलब अगर उसमें 100 न्यूटन तक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ झेलने की ताकत है तो उसमें सिर्फ 10 न्यूटन ही टेंसाइल स्ट्रेंथ झेलने की ताकत होगी। तो ये वर्ड बार बार यूज हो रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो मैं आपको बता देता हूं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ आखिर होते क्या है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दबाते हैं, दोनों तरफ से दबाते हैं, तो अगर हम ज्यादा फोर्स लगा लें तो उसकी लंबाई में चेंज हो जाता है या फिर वो दब जाता है, छोटा हो जाता है साइज में, तो इसे कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जो फोर्स ये ऑब्जेक्ट लगाता है हमारे फोर्स के अपोज में ताकि वो अपनी सेम पोजिशन सेम शेप सेम साइज में रह सके उसे कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे मैं इस मार्कर को खींचूं दोनों तरफ से और इसकी लंबाई बढ़ जाए,
तो इसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट पुश करती है टुवर्ड टेंसाइल स्ट्रेस के। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है सीमेंट कंक्रीट की, वो 10% ही होती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। मान लो अगर सीमेंट कंक्रीट जो है 100 न्यूटन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोज में, तो वो सिर्फ 10 न्यूटन ही टेंसाइल स्ट्रेंथ लगा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पॉन्स में। मतलब अगर हम किसी सीमेंट कंक्रीट के मिक्सचर को दबाएंगे तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, वो दबेगा नहीं आसानी से ना, वो टूटेगा। लेकिन अगर उसे हम खींचेंगे तो उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे और वो टूट जाएगा। इस डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए ही हम उसमें रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, यानी कि सरिया सरिया यूज करते हैं। अब जो रेनफोर्समेंट मटेरियल है जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है स्टील। स्टील एज ए रेनफोर्समेंट मटेरियल इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब क्यों यूज किया जाता है, सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज ए रेनफोर्समेंट मटेरियल ये भी जान लेते हैं। स्टील की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज 25 टाइम्स मोर देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। मतलब जो स्टील की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो सीमेंट कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 25 गुना ज्यादा होती है, और जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 70 गुना ज्यादा होती है सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से। स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 70 गुना ज्यादा होती है इसकी सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से। इस वजह से भी हम इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ा देता है। तीसरी चीज जिस वजह से हमें इसे यूज करते हैं, इसका स्टील का और सीमेंट कंक्रीट का कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन बिल्कुल सेम होता है, लगभग सेम होता है। मतलब पूरी तरह सेम नहीं, लगभग सेम होता है। अब कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, आपने देखा होगा जब गर्मी बढ़ जाती है तो चीजें फैलने लग जाती है, जैसे लोहा होता है या छत होती है वो फैल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो खिंचाव है वो फैल गया है, और उस फैलने की वजह से कई बार क्रैक्स आ सकते हैं, बिल्डिंग गिर सकती है। तो जो स्टील होता है वो भी सेम उतना ही फैलता है जितना सीमेंट कंक्रीट फैलता है, तो इनका इस वजह से इनका बॉन्ड भी काफी अच्छा बना रहता है। इन तीन कारणों की वजह से स्टील एज अ रेनफोर्समेंट मटेरियल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ आरसीसी। मैं पहले इसके पॉइंट लिख देता हूं, फिर एक एक करके समझा दूंगा आपको। अगला टॉपिक मतलब एप्लीकेशन का मतलब है कि कहां कहां ये यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ RCC। नंबर वन, बीम्स कॉलम्स एंड स्लैब्स इन रेजिडेंटियल बिल्डिंग। नंबर टू, हाईवे एंड रेलवे। नंबर थ्री, एयरक्राफ्ट हैंगर्स इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, पावर प्लांट्स। तो कहां कहां ये यूज होते हैं, बीम्स कॉलम्स एंड स्लैब्स
इन रेजिडेंटियल बिल्डिंग, मतलब जो रेजिडेंटियल किसी भी बिल्डिंग में जो बीम्स होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं, उनमें आरसीसी का इस्तेमाल किया जाता है हाईवे एंड रेलवे, हाईवे बनाने में और रेल की पटरियां बिछाने में, इनमें भी आरसीसी का इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट हैंगर्स, मतलब जैसे एयरपोर्ट्स पे एयरक्राफ्ट जहां पे खड़े होते हैं उन्हें कहते हैं एयरक्राफ्ट हैंगर्स, जिन्हें आरसीसी से बनाया जाता है। और पावर प्लांट, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट हो गया, जैसे डैम्स हो गए और रिटेनिंग वॉल्स होगी जो पानी को रोक के रखती हैं, इन सब में भी पावर प्लांट्स में भी आरसीसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थे एप्लीकेशन ऑफ आरसीसी। अब पढ़ते हैं इसकी एडवांटेजेस, मतलब इसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं, क्या क्या फायदे हैं इसके। एडवांटेजेस ऑफ आर सी सी, नंबर वन, इट कैन बी इजिली मोल्डेड इंटू एनी शेप एंड साइज। नंबर टू, it is fire resistant. Number three, it is impermeable. In moisture. Number four, it can resist earthquake, earthquakes. Number five, it can resist weathering agency. तो पहला एडवांटेज इसका ये है कि इसे इट कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड साइज, मतलब इसे किसी भी शेप और किसी भी साइज में आसानी से ढाला जा सकता है, इसे ढालने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। इट इज फायर रेजिस्टेंस, आपका इस पे कुछ ज्यादा असर नहीं होता। इट इज इंपेरेबल इन मॉइस्चर, मतलब इस पे मॉइस्चर का भी कुछ ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए इसे फाउंडेशन डालने के लिए यूज किया जाता है वेट कंडीशन में। इट कैन रेजिस्ट अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सकता है, मतलब अर्थक्वेक में भी ये खड़ा रह सकता है अगर छोटे अर्थक्वेक हो तो। इट कैन रेजिस्ट वेदरिंग एजेंसी, इट कैन रेजिस्ट वेदरिंग एजेंसी, मतलब ये ड्यूरेबल होता है और कॉर्ड नहीं होता, गलता सड़ता नहीं है, क्योंकि ये वेदरिंग एजेंसी है, धूप होगी और बारिश होगी इन सबको रेजिस्ट कर सकता है, इन सबके खिलाफ डटा रह सकता है। ये है इसके एडवांटेजेस। अब पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसीसी। पहला पॉइंट है इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसीसी का, नंबर वन, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई, the dead load of a structure is increased, the dead load of a structure is increased. Number three, it requires skilled labor. Skilled labors. Number four,
hits construction